खबरों में बढ़ेंगे आगे। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग से लेकर बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी सियासत गर्म है। वहीं इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि जल्द सब कुछ हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता विवेक ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप से खास बातचीत की है। मेरे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, इनसे बात करेंगे। सर, मंत्रिमंडल का कब विस्तार होगा और क्या एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर क्या बात चल रही है? देखिए, जो भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो सब तय है और एनडीए गठबंधन के जितने घटक हैं सभी संतुष्ट हैं। चिराग पासवान पिछले लोकसभा वाले ही दावेदारी कर रहे हैं कि 6 हमको लोकसभा चाहिए, 1 राज्यसभा जरूर चाहिए। देखिए, पार्टियां दावेदारी करती हैं, घटक दल दावेदारी करेंगे, लेकिन जो परिस्थितियां बनती हैं उन परिस्थितियों के आलोक में वो विचार भी करते हैं। और मुझे जहां तक जानकारी है कि लगभग सीट शेयरिंग का जो भी फार्मूला है वो तैयार हो चुका है। क्या सीट शेयरिंग पे ये नहीं पेच फंस सकता है? गया लोकसभा सीट की अगर बात करें तो वहाँ से अभी जेडीयू के सांसद है और जीतन रामांझी उस सीट पे दावेदारी कर रहे हैं। अब देखिए, सीट टू सीट हम तो नहीं ना बता सकते आपको, लेकिन हम इतनी बात जरूर जानते हैं कि कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है कि एनडीए का कोई घटक दल मनमाने ढंग से कोई बात मनमाने का करेगा और अपने मन का करेगा। परस्पर सहमति के आधार पर और सब कुछ तय हो रहा है और हम समझते हैं कि 2-4 दिन के अंदर सारी बातें सामने। सीट पे दावेदारी किए हैं उधर मनोज झा जो हैं आरजेडी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि कहाँ आपका जनाधार है बिहार में? अब वो अपना जनाधार तय करें, उनके जनाधार से हमारा कोई सरोकार नहीं है। और जनाधार तो 2019 के चुनाव में मालूम हो चुका है कि क्या जनाधार है। 40 में से 39 सीट हम जीते थे और 40वां सीट भी किशनगंज बहुत थोड़े मतों के अंतर से, और वहाँ से कांग्रेस जीत पाई थी। तो इस बार तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो एक सीट भी और इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। चलिए, थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार जो है इंडिया का खाता भी नहीं खुलेगा। 2019 में तो एक खाता भी खुल गया था, लेकिन इस बार बिहार में 40 के 40 जो लोकसभा सीट है वो एनडीए के खेमे में जाने वाले हैं। सहयोगी शशि के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ वॉच को। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। धनबाद और गिरिडीह का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर अविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन, 512 स्लाइस, कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय थेला, धनबाद।